हाय फ्रेंड्स, आई एम सनी कथोरिया, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें हमने बात की थी कि हाउ टू ड्रिंक अल्कोहल सेफली। सो इस पर एक मेरे सब्सक्राइबर जिनका नाम है अभिराज राणा, इन्होंने एक कमेंट करके एक सवाल पूछा था, आज उसका जवाब देंगे। तो इन्होंने सवाल पूछा था कि सर मेरा फैटी लिवर है, काइंडली मुझे ये बताएं कि मैं बियर पीऊँ या विस्की। तो प्लीज़ अभी ये मत कहना कि कुछ भी ना लो, ये बेटर रहेगा, ये तो मैं भी जानता हूँ। अब बस ये बताओ कि मैं क्या पी सकता हूँ जो मेरे लीवर के लिए सेफ रहेगा। तो सबसे पहली बात अभिराज जी, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा आपसे कि आप मत पीजिए, ठीक है, आपका अपना डिसीज़न है वो। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, और उससे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने कमेंट किया। और दोस्तों, ऐसे ही अगर आपका कोई भी सवाल हो, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा इसी तरह आपको एक वीडियो बना के उस सवाल का जवाब दे सकूँ। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बेसिकली है बियर वर्सेस विस्की, विच इज़ बेटर फॉर योर हेल्थ। तो देखिए, अलग अलग सिचुएशन में ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप किस सिचुएशन में आपको क्या चीज़ लेनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले दोनों के इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले बियर के इंग्रेडिएंट्स लेते हैं। जो बियर है इसमें चार मेन इंग्रेडिएंट्स है। नंबर वन, ग्रेन्स। ग्रेन्स में फाइबर भरपूर होता है और विटामिन भी होता है। तो सेकंड नंबर पे है होप्स। होप्स एक तरह का प्लांट होता है जिसको मेडिसिन बनाने के लिए, स्लीपिंग पिल्स बनाने के लिए इस होप्स का इस्तेमाल किया जाता है, इस पौधे का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर थ्री, यीस्ट। इसको हम खमीर भी बोलते हैं। तो ये बेकरी की आइटम्स में भी पड़ता है, और एक आप कह सकते हैं ये एक तरह का फंगस होता है। यीस्ट कीप योर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी एंड इन बैलेंस, कैन आल्सो हेल्प टू अब्सॉर्ब मिनरल्स एंड विटामिंस। चौथा, वाटर। वो तो आप सभी को मालूम है, वाटर। सो इसके साथ इन्होंने 5% अल्कोहल ABV यानी कि एवरेज बाय वॉल्यूम डाला हुआ है, जो कि अल्कोहल आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन साथ में पानी के रूप में चार इंग्रेडिएंट्स भी हैं आपको, तो इसमें आपको लिक्विड ज़्यादा मिल रहा है और अल्कोहल मिल रहा है 5%। और अभी विस्की के इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे। विस्की में इंग्रेडिएंट्स हैं जौ, मक्की, राई और गेहूं, और ऐसे ही विभिन्न प्रकार के अनाज डाल के विस्की तैयार की जाती है, और इसको तैयार किया जाता है एक लकड़ी के बैरल में। लेकिन अगर अल्कोहल की बात करें तो इसमें अल्कोहल है 42.8%। मतलब अगर 750 ml की बड़ी विस्की की बोतल में 42.8% अल्कोहल पाया जाता है, तो अगर कैलकुलेट करें तो इसके एक पैग, अगर 60 ml का अगर आप एक पैग लेते हो, तो 60 ml पैग में आपको 3.4% अल्कोहल मिलता है। तो अभिराज जी, अगर आप लीवर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो विस्की को अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होगी। अगर आप 2 से 3 पैग भी लगाते हो तो एज़ कंपैरिजन टू योर बियर, इसमें अल्कोहल ज़्यादा रहेगी। तो जितनी अल्कोहल आप ज़्यादा लोगे, आपके लीवर का काम खराब होगा। तो इससे बेटर है आप बियर ले लें, क्योंकि बियर में आपको साथ में पानी ज़्यादा मिल रहा है, इसमें चार इंग्रेडिएंट्स भी अच्छे डाले हुए हैं। तो बेटर रहेगा आपके लिए, आप 3 पैग की जगह एक बोतल बियर की पी लें, और कोशिश करें 15 डेज में एक बार, और कोशिश कीजिए ये समय आप और बढ़ाते जाएं 20 दिन में, 25 दिन में एक बार, क्योंकि आपका लीवर फैटी है। तो एक बार फैटी लीवर लिमिट क्रॉस कर गया तो डॉक्टर ने आपका सब कुछ बंद करवा देना, इस बात को याद रखिए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग सिचुएशन पर यह बात डिपेंड करती है कि आपको किस चीज़ की प्रॉब्लम है, तो आपको क्या लेना चाहिए। जैसे अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपके ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा बढ़े हुए हैं या आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आपको रेड वाइन लेनी चाहिए, क्योंकि रेड वाइन इज़ गुड फॉर योर हार्ट, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट्स इन रेड वाइन कॉल्ड पॉलीफिनॉल्स, दे हेल्प प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स इन द हार्ट। लेकिन ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि रेड वाइन में नशा कम होता है, ये हैंग आउट नहीं करती है, और ये लेडीज़ ड्रिंक है। तो आपको अगर हार्ट की दिक्कत है तो आप बियर को अवॉइड कीजिए, क्योंकि बियर का जो कॉम्बिनेशन है, जो इनके इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन है, जैसे यीस्ट, हॉप्स, ग्रेन्स का जो कॉम्बिनेशन है, ये आपके ट्राइग्लिसराइड्स या आपके कोलेस्ट्रॉल को और बढ़ा देता है। तो अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट की प्रॉब्लम के लिए बेटर रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा आप अवॉइड कीजिए, नहीं अवॉइड हो रहा तो रेड वाइन। सेकंड ऑप्शन आपके लिए रहेगी विस्की या स्कॉच। तो अगर लीवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप बियर ले सकते हैं, क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा मिल रहा है, प्लस आपको विस्की के कंपैरिजन में कम अल्कोहल मिल रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने की ऐसे ही वीडियो बना के। थैंक यू सो मच अभिराज जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।